आज के लेक्चर में हम चैप्टर 1 जीएसटी के एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 का हमें 22 क्वेश्चन से सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 588, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, ए कस्टमर bargains with the shopkeeper to reduce the price so that she can pay 588 inclusive of GST. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आर्टिकल है जिसकी लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस का है कितना लिखा हुआ है 588। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लिस्ट प्राइस कितना है 588 रुपीज। अब यहाँ पर कोई कस्टमर आया, उसने क्या किया, शॉपकीपर ये लिस्ट प्राइस है, तो कोई कस्टमर आया और शॉपकीपर से बार्गेन कर रहा है। बार्गेन करने पर उसे कितना रुपीस पे करना पड़ रहा है आर्टिकल के लिए, 588 इंक्लूडिंग जीएसटी, इसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। तो देखिए जैसे कोई भी कस्टमर रहा होगा, हम सी लेते हैं यहाँ पर, ये है कस्टमर और ये रहा शॉपकीपर। शॉपकीपर से कस्टमर ले रहा है, शॉपकीपर से कस्टमर क्या कर रहा है, आर्टिकल को परचेस कर रहा है। अब देखिए कस्टमर ने कुछ एक्स रुपीज़ में लिया होगा, मतलब वो आर्टिकल कस्टमर को कुछ एक्स रुपीज़ में पड़ा होगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, जीएसटी, तो उस एक्स रुपीज़ में जीएसटी भी लग गई। और जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कस्टमर शॉपकीपर को कितना प्राइस पे करेगा, तो हम कैसे देखते हैं, जो आर्टिकल का कॉस्ट है वो प्लस इसकी जो जीएसटी बनती है वो दोनों ऐड करके वो देता है, पे करता है प्राइस। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये जो प्राइस दिया हुआ है ना 588, इसका मतलब है कस्टमर ने जितने में आर्टिकल को ख़रीदा प्लस उसकी जो जीएसटी बनी, ये दोनों जोड़ करके है 588। तो अब हम यहाँ पर लेट करते हैं कि कस्टमर को वो आर्टिकल एक्स रुपीज़ में मिला। हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि कस्टमर को एक्स रुपीज़ में कोई भी आर्टिकल मिला। अब देखिए कस्टमर को एक्स रुपीज़ में मिला और उस आर्टिकल में कितने की जीएसटी लग रही है, 12% की। हम कैसे लिखते हैं, कोई भी फर्म है या शॉपकीपर है या होलसेलर है, कस्टमर है, कुछ भी है, उसके नीचे हम क्या लिखते हैं कि वो आइटम उस कस्टमर को या शॉपकीपर को कितने में पड़ा। तो यहाँ पर कस्टमर को मान लीजिए एक्स रुपीज में मिला। अब फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं जीएसटी। तो इस पर जीएसटी कितनी लग रही है, 12% की जीएसटी लग रही है, ये हो गई जीएसटी। तो अब हम यहाँ से जीएसटी निकाल लेंगे, 12% किसका, 12% जितने में उसने खरीदा, कितने में खरीदा, एक्स रुपीज़ में। तो एक्स का 12% हमें जीएसटी देना है, एक्स का 12% हमें जीएसटी देना है। तो ये तो हो गई जीएसटी और ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना 588, ये क्या दिया हुआ है, ये टोटल अमाउंट जो कस्टमर शॉपकीपर को पे कर रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और टोटल अमाउंट कितना पे करेगा, एक्स, ये तो देगा ही जितने उसे आर्टिकल पड़ा वो, प्लस इसकी जो जीएसटी बनेगी वो। तो यहाँ पर कितनी जीएसटी है, एक्स का 12%, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम हमेशा क्या लिखते हैं, उसको कितने में पड़ा फिर उसकी जीएसटी निकालते हैं, और कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, ये एक्स रुपीज प्लस इसकी जो जीएसटी बन रही है इतना रुपीज उसे पे करना है। समझ में आया, ये बन गया। और उसने कितना पे किया, 588, यानी यहाँ पर अमाउंट की जगह हम क्या रखेंगे, 588 रुपीज, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स और एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1, ये 12/100, ये हो गया 588। फिर यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 यहाँ एलसीएम में जाएगा, तो 100+12, 112/100, इधर है 588।
x के साथ 100 क्या है, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया। और x के साथ 112 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको करें हम तो 2 5 जो 10 111, 2 6 जो 12 2 2 जो 4 15 2 9 जो 18 2 4 जो 8 फिर यहाँ पर 2 2 जो 4 और 2 8 जो 16 2 1 जो 2 2 4 जो 8 2 7 जो 14 ये हो गया। 7 8 9 10 11 12 और ये हो गया। इसको आप कैसे काट सकते हैं, 7 4 times 7 2 जो 14 और 1 ये हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को काटेंगे तो 4 और ये हो गया 25। क्या बचा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 25 into 21 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 into 21 ये हो जाएगा 5 और 2 ये हो जाएगा 5 2 जो 10 2 2 जो 4 5 5 2 5 x कितने आया 525 x कितना आया 525। अब देखिए x हमने क्या माना था कि कस्टमर को वो आर्टिकल बार्गेन कर रहा है ना शॉपकीपर से, तो बार्गेन करने के बाद उसका लिस्ट प्राइस था 588 लेकिन बार्गेन करने के बाद उसे मिला 525 रुपीस में। कितने में मिला, 525 रुपीस में। समझ में आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रिडक्शन इन प्राइस, यानी शॉपकीपर ने कितना रिडक्शन कर दिया। लिस्ट प्राइस ये था 588 और उसने दिया कितने में, शॉपकीपर ने कस्टमर को कितने में दिया, 525 रुपीस में। समझ में आया, यानी कितना कम किया उसने, बहुत इजी है। ये दिया हुआ है लिस्ट प्राइस और इस लिस्ट प्राइस में 525 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा रिडक्शन प्राइस। माइनस करेंगे ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। क्या आ गया यहाँ पर, 63 रुपीस। समझ में आया, नोट कर लीजिए। 23rd क्वेश्चन है, ए मैन्युफैक्चरर सेल्स अ कैमरा फॉर 10,000 टू अ डीलर, द डीलर सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ प्रॉफिट ऑफ 12% इफ ऑल ट्रांजेक्शन्स आर विद इन स्टेट एंड रेट ऑफ GST 28%। कैलकुलेट द GST पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। फिर सेकेंड पार्ट में है द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और थर्ड पार्ट में है द प्राइस पेड बाय द कस्टमर। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे, स्टेप वाइज करना है। जितने भी GST के क्वेश्चन हैं सबको हम स्टेप वाइज से करते हैं। अब देखिए पहला यहाँ पर है मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है डीलर को, तो ये रहा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, डीलर को सेल कर रहा है। फिर डीलर क्या कर रहा है, कस्टमर को सेल कर रहा है, हो गया ये। अब हम क्या लिखते हैं, मैन्युफैक्चरर सेल्स अ कैमरा फॉर 10,000 टू अ डीलर, यानी कैमरा है उसको 10,000 में डीलर को बेच रहा है। तो डीलर को कितने में मिला कैमरा, डीलर को कैमरा कितने में मिला, 10,000 में, ये हो गया। हम ये लिखते हैं नीचे, क्या लिखते हैं कि उस पर्सन को कितने में वो सामान पड़ा, तो डीलर को कितने में मिला कैमरा, 10,000 में, हो गया ये। डीलर सेल इट टू अ कस्टमर, अब डीलर क्या कर रहा है, कस्टमर को सेल कर रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%। अब देखिए डीलर क्या कर रहा है, 12% का प्रॉफिट लेकर के कस्टमर को सेल कर रहा है। तो हमें यहाँ पर पहले निकाल लेना है कि 12% प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 12% का प्रॉफिट किसमें से मिलेगा, किसमें से वो देगा, जितने में उसने खरीदा, 10,000 में खरीदा, तो 10,000 का क्या कर रहा है वो, 12% प्रॉफिट ले रहा है। तो हम देखते हैं कितना प्रॉफिट का प्राइस हुआ, 10,000 का 12% प्रॉफिट ले रहा है, 10,000 का 12%
प्रॉफिट ले रहा है। यहाँ से इसको दो जीरो कैंसिल, ये 12 और ये यहाँ से हो गया 1200। तो ये डीलर क्या कर रहा है, 1200 का प्रॉफिट ले रहा है, यानी उसने 10,000 में खरीदा, जब वो कस्टमर को बेच रहा है तो उसे 1200 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में बेच रहा होगा कि उसे 1200 का प्रॉफिट मिले, ये 10,000 प्लस 1200 रुपीस। कितना हो गया, ये 0 0 2 1 1, यानी 11,200 में कस्टमर को वो बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, 11,200 में। अब यहाँ पर हम कस्टमर के नीचे क्या लिखते हैं कि कस्टमर को वो आर्टिकल, या यहाँ पर कैमरा है तो कस्टमर को कैमरा कितने में मिला, कितने में मिला, 11,200 में। कितने में, 11,200 में। ये हो गया। अब यहाँ पर कस्टमर को कितने में मिला, 11,200 में। अब यहाँ पर देखिए जीएसटी कितनी है, कितनी है जीएसटी, 28%। फिर हम क्या लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं जीएसटी। तो यहाँ पर 28% और 28% जीएसटी हो गई। अब जीएसटी हमने लिख दिया, फिर हम क्या करते हैं, जीएसटी निकालते हैं। तो जीएसटी निकालेंगे, 10,000 का 28% यहाँ पर 28% किसका 28%, 11,200 का 28%। दो जीरो कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2800, यानी ये हो गया। डीलर की जीएसटी कितनी हुई, 2800। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 है और 112, 8 2 16, 8 1 8 9 8 2 2 4 2 2 6 3, यहाँ पर हो गया 3136। कस्टमर की जीएसटी कितनी बन रही है, 3136 रुपीस। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द जीएसटी पेड बाय द डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये हमें निकालना है कि डीलर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी दी। बहुत सिंपल है, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट हमें निकालना है, कैसे निकालते हैं, डीलर से हमें देखना है, कहाँ से देखना है, डीलर से। क्वेश्चन में लिखा है ना, डीलर कितना स्टेट गवर्नमेंट को देगा जीएसटी, तो डीलर पे आइए, ये रहा डीलर। अब डीलर से क्या करना है, डीलर कर क्या रहा है, डीलर परचेस करके रीसेल कर रहा है, डीलर परचेस करके रीसेल कर रहा है। डीलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से खरीदा और मैन्युफैक्चरर से खरीदने के बाद कुछ प्रॉफिट लेकर के कस्टमर को बेच दिया। तो डीलर क्या कर रहा है, परचेस करके रीसेल कर रहा है, और जो भी परचेस करके रीसेल करे उसकी जीएसटी इनपुट हो जाती है। क्या होती है, इनपुट। तो ये रहा इनपुट, और किसको उसने दिया, कस्टमर को, तो कस्टमर की जीएसटी आउटपुट। इनपुट आउटपुट पता है। अब यहाँ से हमें जीएसटी निकालना आता है, क्या होता है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट है यहाँ पर 3136 माइनस 2800, यहाँ बचेगा 3689 10 11, यानी ये 3 हो जाएगा, 336। क्या हो गया, 336 जीएसटी दे रहा है। कौन दे रहा है, हम कहाँ से निकाल रहे हैं, डीलर से, यानी डीलर गवर्नमेंट को 336 रुपीस दे रहा है। कितना दे रहा है, 336 रुपीस। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, क्या लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए यहाँ पर लिखा है विद इन स्टेट, जो सेल हो रही है वो विद इन स्टेट हो रही है। जब सेल विद इन स्टेट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी हाफ ऑफ डिवाइड होता है। ये तो रही टोटल जीएसटी जो गवर्नमेंट को जानी है, लेकिन इस जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को हाफ ऑफ जीएसटी डिवाइड हो जाएगी। इसका हाफ करेंगे 2 1 2 6 और 8, ये भी हो गया।
तो यहाँ से क्या आ गया कि स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी 168 रुपीस और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी 168 रुपीस। ये हो गया हमारा आंसर, समझ में आया? ये रहा फर्स्ट पार्ट, इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिला, बहुत सिंपल है। कैसे निकालते हैं? जब हमें निकालना हो कि टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना मिला, हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा लास्ट स्टेज होता है ना, जो लास्ट स्टेज होता है, यहाँ पर लास्ट स्टेज कौन है? कंज्यूमर है। ये जो कस्टमर है ना, ये लास्ट स्टेज है। तो इसकी जो जीएसटी बनती है, इतनी पूरी ये जो जीएसटी बन रही है ना 3136, यानी ये टोटल जीएसटी गवर्नमेंट को मिलती है। जब हमें निकालना हो कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला टोटल, उस पूरे आइटम में, ये जो कैमरा है ना, कैमरा की जितनी भी सेल हो रही है, मतलब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर या डीलर, फिर उसके बाद कस्टमर के पास जाता है, यानी जितनी भी यहाँ से लेकर के सेल हो रही है, अगर हम टोटल जीएसटी देखें कि गवर्नमेंट को कितनी मिलती है, तो हम कैसे निकालते हैं? जो हमारा लास्ट स्टेज होता है ना, जो उसको यूज़ करेगा कस्टमर, लास्ट स्टेज है यहाँ पर, तो कस्टमर की जो जीएसटी है, ये टोटल जीएसटी है जो गवर्नमेंट को मिलेगा। समझ में आया? ये जीएसटी टोटल जीएसटी है जो गवर्नमेंट को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर है, ये हो गई टोटल जीएसटी 3136, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि सिर्फ पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्या पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी मिलेगी, ये टोटल जाएगी गवर्नमेंट के पास जीएसटी। अब इस जीएसटी को क्या करेंगे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हाफ हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी मिलेगी, इसका हाफ कर दीजिए, 2 1 2 5 10, 2 6 12, और ये हो गया। और स्टेट गवर्नमेंट को भी इतनी ही मिलेगी, तो ये हमारा आंसर हो गया। कितनी जीएसटी मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को? 1568 रुपीस टोटल जीएसटी, टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हुआ? 1568 रुपीस। समझ में आ रहा है? अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द प्राइस पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर ने कितना प्राइस पे किया, तो देखिए कस्टमर कितना अमाउंट पे करेगा। कस्टमर कैमरा के लिए 11,200 तो देगा ही, साथ साथ इसकी जो जीएसटी बन रही है ना, इसको भी पे करेगा। तो टोटल कितना हुआ, ये तो हुआ है 11,200, ये तो हुआ है, साथ साथ इसकी जो जीएसटी बन रही है वो भी पे करेगा। कितनी जीएसटी बन रही है? 3,136 रुपीस। ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 3 4 1 3 1 3 6 6 3 3, और ये 4 हो गया। क्या आ गया यहाँ पर? 14,336 रुपीस। क्या आ रहा है? 14,336 रुपीस ये कस्टमर डीलर को पे करेगा। समझ में आया? ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर, नोट कर लीजिए। 24 क्वेश्चन है, मिस्टर बेदी विजिट्स द मार्केट एंड बायज द फॉलोइंग आर्टिकल। क्या क्या खरीदता है? मेडिसिन, ए पेयर ऑफ शूज और एक लैपटॉप का बैग। यहाँ पर देखिए, मेडिसिन कॉस्टिंग 950 रुपीज़, मेडिसिन उसकी कॉस्ट कितनी हुई 950, जिस पर जीएसटी लग रही है 5% की रेट से। ए पेयर ऑफ शूज़ खरीदा, उसका कॉस्ट कितना है 3000, और इस पर जीएसटी है 18%। लैपटॉप बैग खरीदा जिसकी कॉस्ट है 1000 विद अ डिस्काउंट ऑफ 30%, यानी इसका कॉस्ट है 1000 लेकिन उसे 30% का डिस्काउंट मिला, और इस पर टैक्स कितना है 18%। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, यानी मिस्टर वेदी जो हैं उन्होंने
कितना टोटल जीएसटी पे किया वो निकालना है। सेकेंड पार्ट में टोटल बिल इंक्लूडिंग जीएसटी उसने कितना पे किया ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या लेके आते हैं मिस्टर वेदी, मेडिसिन और ए पेयर ऑफ शूज और एक लैपटॉप बैग, ये हो गया 3 आइटम आते हैं। अब मेडिसिन कितने में ला रहे हैं, कितने में मेडिसिन आ रही है, 950 में। शूज़ कितने में आ रहा है, 3000 में। लैपटॉप कितने में आ रहा है, 1000 का है लेकिन उसे 30% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 1000 का है वो लेकिन डिस्काउंट कितने में, कितना मिल रहा है, 30% का। डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, उसे 30% रुपीस कम देना पड़ा। तो पहले हम निकाल लें कि 30% हो कितना रहा है, रुपीस में निकाल लें, यहाँ पर परसेंटेज में दिया है। 30% किसका, 30% 1000 का, कितना डिस्काउंट हो रहा है, 1000 का 30% उसे डिस्काउंट मिल रहा है। 2020 कैंसिल, यहाँ पर आ गया 300, यानी 300 रुपीस का उसे डिस्काउंट मिल रहा है। 1000 का है लैपटॉप बैग, कितने का है, 1000 का, लेकिन 300 का डिस्काउंट मिल रहा है यानी 300 रुपीस उसे कम देना पड़ा। तो कितने में पड़ा लैपटॉप बैग उसे, सिर्फ 700 में। कितने में पड़ा, 700 में। देखिए 1000 का था लेकिन उसे कितना कम देना पड़ा, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है तो 300 रुपीस कम देना पड़ा, यानी कितने का हुआ उसे, 700। लैपटॉप बैग कितने में पड़ा, सिर्फ 700 में, ये हो गया। हम जब ये लिख लेते हैं कि वो आइटम कितने में हुआ, मतलब उसे कितने में मिला, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, जीएसटी। तो जीएसटी देखिए, मेडिसिन में 5%, शूज में 18% और बैग में, लैपटॉप बैग में कितना है, 18%, ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, इसका जब हम जीएसटी लिख लेते हैं फिर क्या करते हैं, जीएसटी निकालते हैं ना। तो 950 का 5%, 3000 का 18% और 700 का 18%, ये हो गया। 1010 कैंसिल, यहाँ से 220 कैंसिल, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 55 जो 25 टू कैरी, 95 जो 45, 46, 47 और ये हो गया हमारा जीएसटी। कितना हुआ जीएसटी, 47.5 रुपीस। यहाँ पर ये हो गया ज़ीरो और 83 जा 24, 2, 3, 1, 3, 4, 5 ये हो गया यहाँ पर जीएसटी। और यहाँ पे देखें तो ये 8, 7, 8 जा 56, 7, 1 जा 7 और ये हो गया 12। तो यहाँ पर कितनी जीएसटी हो रही है, 126 रुपीस। समझ में आ रहा है। अब ये मेडिसिन में जीएसटी लग रही है 47.5, शूज में लग रहा है 540 रुपीस, लैपटॉप बैग में लग रहा है 126। फर्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड, उसने कितना टैक्स पे किया, कितना टैक्स पे किया वो हमें निकालना है। कितना किया, मेडिसिन में उसने 447.5 रुपीस दिया, शूज में उसने कितना टैक्स दिया, 540 रुपीस और लैपटॉप बैग में कितना जीएसटी दिया, 126। सबको ऐड कर देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.5 और 540, 126 और 47, ये हो जाएगा 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, ये हो गया। कितना अमाउंट जीएसटी पे करना पड़ा उसे, 713 रुपीस 50 पैसे। पैसे में लिखना है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देते हैं हम, पॉइंट के बाद कितने में जीरो लगाएं कोई मतलब नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर हमें रुपीस में लिख रहे हैं ना, तो 713 रुपीस 50 पैसे, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया। सेकंड पार्ट क्या है, कैलकुलेट द टोटल बिल अमाउंट
इंक्लूडिंग जीएसटी पेड बाय मिस्टर बेदी। उन्हें मिस्टर बेदी ने कितना टोटल अमाउंट पे किया इंक्लूडिंग जीएसटी। यहां पर समझ में आ रहा है ना, फर्स्ट पार्ट नोट करिए। यहां पर अब सेकेंड पार्ट हो जाएगा हमारा टोटल बिल अमाउंट। तो यहां पर क्या देना है, मेडिसिन का जो कॉस्ट है वो प्लस उस पर जो जीएसटी है। तो मेडिसिन का कॉस्ट कितना है, मेडिसिन का कॉस्ट है 950 और इस पर जीएसटी है 47 रुपीज 50 पैसे। शूज में 3000 का है शूज, प्लस इसकी जो जीएसटी बन रही है, कितनी जीएसटी बन रही है 540 रुपीज। लैपटॉप बैग कितने का है, 700 का और इस पर जीएसटी है 126 रुपीज। समझ में आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को मिला करके उसने टोटल अमाउंट कितना पे किया। तो क्या होगा, यहाँ पर मेडिसिन का जो कॉस्ट है वो तो देना ही है, साथ साथ इसकी जो जीएसटी है वो भी पे करेगा, ये देना ही है इसकी जीएसटी। 700 रुपीज उसे लैपटॉप बैग के लिए देना ही है, साथ साथ इसकी जीएसटी जो बन रही है। समझ में आ रहा है, यानी इतना अमाउंट उसे पे करना है। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, ये इन तीनों को अभी हम ऐड कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या आया है, 713 रुपीज 50 पैसे। तो इसको यहीं पर डायरेक्ट लिख लेते हैं और ये तीन बचे हैं इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये 5, ये 16 और ये 4, ये हो गया 50713। तो ये 3635, कितना अमाउंट उसने टोटल पे किया, 5363 रुपीज 50 पैसे। सेकेंड पार्ट आया समझ में, क्या है यहाँ पर, 5363 रुपीज 50 पैसे। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। यहां से हमारा 24th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये जीएसटी चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।